सब्सक्राइब कीजिए माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को और स्वास्थ्य की संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार, माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर योगेश माणिक। आज का वीडियो का विषय है मेलेस्मा। मेलेस्मा यानी हिंदी में इसे झाइया आना भी कहते हैं। आपके चेहरे पर जो काले दाग धब्बे आ जाते हैं उसे ही मेलेस्मा यानी झाइया कहते हैं। YouTube पर आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियो इसके रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इसे मैं तीन दिन में ठीक कर दूंगा, ये औषधि लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि 3 घंटे में ठीक कर दूंगा। कुछ लोग घरेलू उपाय बताते हैं, लेकिन इनमें से मैंने ये पूरी वीडियो देखी है। 90% वीडियो तो इसमें फेक है, बहुत सारा झूठ इसमें बताया गया है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में मैं आपको झाइयों के बारे में पूरी साइंटिफिक जानकारी दूंगा और एक ऑइंटमेंट बताऊंगा और कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो बताऊंगा, इससे आपकी झाइया पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। और ये टिप्स अगर आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको आपकी झुर्रियां हमेशा के लिए और पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि मेलेस्मा किस में होता है। किस में? तो ज्यादातर ये बीमारी औरतों में ज्यादातर पाई जाती है। मर्दों में इसकी बीमारी होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये बीमारी जो है मेलेस्मा, इसमें क्या होता है कि नाक पर, गाल पर, माथे पर और मुंह के आजू बाजू में काले दाग धब्बे आ जाते हैं, उसे झाइया कहते हैं। उसके कारण क्या क्या है, लेडीज में ऐसा क्यों होता है आने के लिए? पहले तो प्रेगनेंसी के बाद इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा ओसी पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर कुछ औरतें क्या करती है कि बहुत सारे सालों तक गर्भनिरोधक गोलियां लेती है, उसके सेवन से भी ये आने के चांसेस होते हैं। दूसरा है जेनेटिक फैक्टर यानी कि आनुवंशिक, माँ से बेटी को ऐसा आनुवंशिक फैमिलीज में ये रन करता है। दूसरे, जो औरतें धूप में ज्यादा काम करती है, धूप में ज्यादा जाती है, उसको सन एक्सपोजर ज्यादा होता है, यूवी लाइट के संपर्क में, रेज के संपर्क में वो ज्यादा आती है, इसी वजह से भी उनमें मेलेस्मा होने के चांसेस होते हैं। पहले तो अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे। इसकी सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, ऑइंटमेंट है मेलेमेट, स्किन लाइट और नोस्कार। ये तीनों जो है वो ब्रांड नेम है, वो आपको किसी भी औषधि की दुकान में, मेडिकल में आपको मिल जाएगी। उसका कंटेंट है हाइड्रोक्विनोन, मोमेटाजोन और ट्रेटिनोइन। ये जो औषधि है ये रात को आपको चेहरे के ऊपर लगानी होती है, रोज रात को पूरे चेहरे के ऊपर लगाओ और फिर अगले दिन नहाते वक्त उसे धो डालो। लेकिन इसका एक ध्यान में रखने वाली बहुत ही जरूरी चीज क्या है कि ये किस किस औरतों को, कुछ कुछ लोगों को इस औषधि की एलर्जी होती है, एलर्जी। इसके लिए आप क्या करें कि पहले दिन, पहली रात को थोड़ा सा ही ऑइंटमेंट ले, चेहरे पर लगाए थोड़ा सा ही ऑइंटमेंट और उसे रखने दे। अगर लाली दिखाई दे, दुख जाए, वो सूज जाए और इचिंग हो, तो उसके बाद वो औषधि आपको सूट नहीं होती, आप मत लगाएं। लेकिन ऐसा कोई भी दिक्कत आपको न आए, खाज खुजली ना हो, सूज ना हो या फिर दुख ही नहीं, तो आपको इसका 3 महीने का कोर्स करना है। 3 महीने तक आपको ये क्रीम रोज रात को लगानी है। इस औषधि से कोई सी भी झाइया हो, कोई से भी काले दाग धब्बे हो, वो कम ही हो जाएंगे। 3 महीने के ट्रीटमेंट अगर आप अच्छी तरह से लेंगे तो वो कम ही हो जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन उसका रिकरेंस हो सकता है, फिर से वो आ सकती है। इसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा, उससे वो फिर से कभी भी नहीं आएंगे। पहले तो आपको रात में जो है उसको वैसलीन लगाना है। सोते समय चेहरे पर जिधर जिधर होता है उधर उधर आपको वैसलीन लगाकर ही सोना है रोज रात को। अगर आप सन में बाहर जाते हो, धूप में बाहर जाते हो, तो धूप में जाते समय आपको सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर जाना है, चेहरे को सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर जाना है। अगर वो आपको नहीं जच रहा तो आप मुंह को स्कार्प बांध सकती है, उसके स्कार्प बांध कर ही आप धूप में बाहर निकले। उसके बाद अगर आप गर्भ निरोधक गोलियों का अगर आप सेवन करती है तो वो तुरंत ही बंद कर दीजिए। उसके अलावा जो कंडोम है, कॉपर टी है, गर्भ निरोधक उपाय है दूसरे, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा भी फल आप रोज एक फल खाएं, उससे भी फायदा हो सकता है। हरी सब्जियां जो होती है, हरी सब्जियां आप भरपूर मात्रा में खाएं। स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए, इसके लिए आपको रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए।
ऊपर की जो मैंने आपको क्रीम बताई वो, और उसके बाद जो मैंने ट्रिक्स बताए वो, इसका पालन आप करोगे, ऑइंटमेंट अच्छी तरह से लगाओगे, तो आपको आपकी झाइया, मेलेस्मा, काले दाग धब्बे पूरी तरह से और हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर सर्वाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।